आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 17 अगस्त 2021 का साकार हिंदी मधुर वाणी। आज बाबा सार में समझाते हैं, तीन बात बाबा समझाते हैं। बाप और बच्चे को याद करने से तुम्हारी कमाई भी होती है, तंदुरुस्ती भी होती है और तुम अमर भी बन जाते हो, तो इतना लॉटरी कहाँ मिलेगा। फिर बाबा समझाते हैं, हृदय को पहले दिल को शुद्ध करना चाहिए। दिल शुद्ध कौन सा युक्ति से होगा, तो इसका अर्थ भी बाबा समझाते हैं। कहाँ भी रहते हो ट्रस्टी होकर रहो, घर में रहो भले सरेंडर हो जाओ, कहाँ भी रहो। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का तो दो ऑप्शन ही होता है, कोई सरेंडर होता है, कोई गृहस्थी में रहते हैं। कहाँ भी रहते हो ट्रस्टी होकर रहो, हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारा से खाते हैं, पहनते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। शिव बाबा के भंडारा का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता है। प्रवृत्ति में रहते, संसार में रहते, अगर श्रीमद् प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते हैं तो वो भी शिव बाबा का भंडारा है। तो डेडिकेशन होने से नहीं, संसार में रह करके भी तो शिव बाबा का भंडारा से आप खा सकते हो, मन से आप सरेंडर हो सकते हो। इसको ही कहते हैं मन से सरेंडर होना। तो बाबा और समझाते हैं गहराई में, तो ये कल्याणकारी संगम योग है। हर बात में कल्याण है, किसी में अकल्याण को देखो ही मत, कमाई ही कमाई है। तो जितना टाइम मिले वो टाइम को सफल करो। बाप और बच्चे को याद कर 21 जन्मों के लिए जीवन को अमर बना दो, ये अभी मौका है। फिर बाबा समझाते हैं, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना। तो बाबा को ऐसा नहीं एक्सचेंज करना, दिल से सरेंडर हो जाना। श्रीमत पर खर्चा करना, श्रीमत पर अपना मन में आया खर्चा कर लिया, ऐसा नहीं। श्रीमत पर बाबा को, बाबा से राय लेकर के पूरा ट्रस्टी होकर रहना, ये मेरा नहीं बाबा का अमानत है, मेरे पास जमा किया है, मैं बाबा को जमा किया, बाबा ने हमें थोड़ा श्रीमत दे दिया, ऐसे चलो ऐसे खर्चा करो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर तो रहेगा तो काल कंटक से हम हमेशा दूर रहेंगे, हमारा जीवन में कोई तो कोई मुश्किलात आएंगे ही नहीं। तो विस्तार जो संसार में विस्तार होता है, तो ये रंग बिरंगी बाबा कहते हैं, ये रंग बिरंगी बातें हैं, इससे किनारा कर लो। मुश्किल को सहज बनाओ तब तुम सहज योगी बन जाएंगे। तो मैं और मेरेपन की अलाय को, ये खाद है आत्मा में परा हुआ है, समाप्त करना है तो अपने को रियल गोल बनाना है। ये था आज का मुरली का सार, ने हमें समझा। अभी हम विस्तार से सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप और बच्चे को याद करने से मैं तुम्हारी तो करने में तुम्हारी कमाई भी है, तंदुरुस्ती भी है और तुम अमर भी बन जाते हो। तीन फायदा आत्मा को होता है। प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर है, कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो, हमेशा समझो हम शिव बाबा का भंडारा से खाते हैं। शिव बाबा का भंडारा का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता है। प्रवृत्ति में रहते, अगर श्रीमद् प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते हो तो वो भी शिव बाबा का भंडारा है, मन से सरेंडर है। कितना सहज सुंदर विधि बाबा ने समझाया है, तो इसी प्रमाण हमें चलना है। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं, साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है, तो यो कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं है बाबा के, ये अलग है। ये इस समय ये परमात्मा आते हैं हम आत्माओं को पराने के लिए, इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। ये कोई मनुष्य मनुष्य का नहीं, आत्मा परमात्मा का सत्संग। सुप्रीम रूहो रूहो के साथ, सुप्रीम रूहो परमपिता, हम रूहो के आत्मा के साथ रूढ़िहन करते हैं अर्थात सत्संग करते हैं। हमारा मन का भी प्रश्न बाबा से हम तो शेयर करते हैं, बाबा भी इसका उत्तर देते हैं। ये क्वेश्चन एंड आंसर का ये एक खत है, एक चिट्ठी है। यह तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, न देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो स्वयं डायरेक्ट भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार ही कहा जाता, और भगवान आती ही तब है जब बच्चों को भगवान भगवत
भगवती बनाने के लिए पराना होता है। इस समय बाबा कहते हैं नर से नारायण, नारी से बनने लक्ष्मी बनने के लिए ये सत्य नारायण की पचाली, ये तिजरी कथा, ये इस समय तुम्हें प्राप्त होता है, दिव्य दृष्टि तुम्हें प्राप्त होता है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई तो दे नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है और तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं, ये भी सिर्फ तुम ही समझते हो जो तुम इस समय शूद्र से ब्राह्मण बने हो। दूसरा कोई मुश्किल समझ सके, शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है। इसमें ही बाबा समझाते हैं ये सभी तो एकच भूल हो गया, जो तो जरूरी सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता रहेगा। कृष्ण को भगवान बना दिया तो मनुष्य तन ही देखते रहेंगे, मूर्ति देखते रहेंगे। तुम ही दैवी गुण वाले थे और अब असुरी गुण वाले बन गए हो भक्ति करते करते, फिर अब दैवी गुण वाले तुम्हें बनना है। दैवी गुण वाले को ईश्वरीय संप्रदाय, असुरी गुण वाले को असुरी संप्रदाय कहा जाता है। ये दो अंतर को हमें समझना चाहिए। आप निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पराते हैं, इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय। तो इसीलिए बाबा समझाते हैं जिन्हें रूहानी बाप आकर पराते हैं, अभी तुम रूहो अभिमानी बनते हो, हम आत्मा हैं, बाबा हमको पराते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। रूहो को ही पराते हैं, वही नलेशपुल है और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूहो को नहीं जानते, रूहो को नहीं जानते और आदि मध्य अंत का रचना और रचता का ज्ञान हमें नहीं जानते। जब तक वो ज्ञान सागर सम्मुख ना आए, स्वयंभू परमात्मा का दूसरा नाम है, वो ज्ञान कैसे समझाएंगे। परमात्मा ना आए, खुद का परिचय खुद ही देते हैं, ये अच्छी रीति समझने की बात है। जो मनुष्य का असाध्य है ये भगवान के लिए साध्य है। तो हमको कोई मनुष्य नहीं पराते हैं, हमको बाप पराते हैं, तो वो है बहुत का बाप निराकार। निराकार को समझना, निराकार को वर्ता को श्रीमद को हमें स्वीकार कर लेना, ये भी बच्चों को समझाया है। साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं, ये तो कॉमन बात है। तो दो बाप तो सबको होता है, एक रूहानी और एक जिस्मानी, शरीर का पिता और आत्मा का पिता। रूहानी बाप ही आकर रूहो को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं, चित्र भी सामने है। आत्मा से लेकर के ये सीढ़ी को लेकर के ये गोला को लेकर के कितना वैरायटी चित्र, ये हमारा संस्था का है। बाबा राय देते हैं घड़ी घड़ी चक्र का सामने जाकर बैठ जाओ, बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम पर बैठे हैं और सभी अपने को कलियुग में समझते हैं, उसको अभी उद्धार करना। कलियुग को घोर अंधियारा कहा जाता है ना, अभी तुम संगम पर हो, अमृत वेले में हो, अभी तुमको रोशनी है। सतयुग में फिर तुमको यह ज्ञान नहीं मिलेगा, नहीं रहेगा तुम्हारा पास, नहीं रहेगा। ये ज्ञान का प्रलब्ध, ज्ञान तुम्हें प्रलब्ध में रूपांतरित हो जाएंगे। तो बाप जब आते हैं तो भी घोर सोजरा हो जाता है। अमृत वेला से दिन शुरू हो जाता है, सतयुग आ जाता है, त्रेता युग आ जाता है, बाद में रावण राज्य शुरू होता है। यो संगम युग है ही कल्याणकारी, इसीलिए बाबा समझाते जितना हो सके बाबा से लूट लो, ये अभी लूटने का वेला है, अभी लेने का समय है। इन जैसा योग कोई होता ही नहीं। जबकि बाप आते हैं सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, वहाँ किसको कोई कल्याण नहीं करते, कोई भिखारी नहीं, कोई किसका कल्याण कैसे करे। तो अभी तो ज्ञान का भिखारी है, इस समय ज्ञान का जरूरी है। तो बाबा हमें ब्राह्मण बनाते हैं तो सबको कहते हैं दौर दौर में तुम्हें जाना है, घर घर में तुम्हें जाना है। कल्याण संगम पर ही होता है, सतयुग में तो है ही कल्याण, तो इसमें कोई दरिद्र भी नहीं, कोई भूखा भी नहीं। संगम पर कलियुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं, कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है, सिर्फ बाप और वर्ष को याद करने से कितनी तुम्हारी कमाई होता है। तो ये दो बात को बाबा समझाते, तंदुरुस्ती मिलेगा, तुम अमर भी बन जाओगे, कमाई ही कमाई है और तंदुरुस्ती ही तंदुरुस्ती है, तुम्हारा जीवन अमर बन जाता है, तुम्हारी कभी अकाली मृत्यु नहीं होगा सत्ययुग में,
150 साल आयु तुम्हें मिलेगा, तो तुम बच्चे को कितना ना खुशी में रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बुद्धि में सारी नॉलेज है, नॉलेज से भरपूर है, नॉलेज है तो तुम बहुत धनवान हो। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुष हटकर तो म्यूजियम में चित्र पर समझाने का लायक बनना के लिए, बाबा समझाते मधुबन में जाओ तो चारों ओर देखो, तो ये सेवा स्थान को देखो क्या हो रहा है देखो, तो ये अपने को लायक बनाओ म्यूजियम में जाकर के, तो सबको समझाने के लिए म्यूजियम में तो बहुत आते हैं, अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठ सीखो। ये कोई ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस हुई झट भागा सर्विस पर, ऐसा भी बच्चा बहुत है, नया नया भी बहुत आते हैं, सीख कर चले जाते हैं सेवा पर, सर्विस करके फिर लौट आए, ये सीखना तो बहुत सहज है, चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य है, काल बहुत थोड़े होंगे, ये भी बाबा समझाया। आज कितना देखो, कितना मनुष्य को जगह नहीं है, खाने का निचेज नहीं मिलता है, कितना महंगाई हो गया है, सतयुग कितना थोड़े मनुष्य होगा, सारी जमीन पर ही रहेंगी, कोई लेने वाला नहीं होगा, और हीरे जवाहरात मौनी मुक्ता सोने गहना कितना भरपूर होगा, इतने सब वापस जाने हैं। तो अभी बाप स्वयं आए हैं, बच्चों को कितना इज्जत रखते हैं, तो दूर देश का रहने वाला आया देश पराये में, रावण का देश पराया देश है ना, तो राम के देश में कभी रावण आ ना सके, ये भी हमें समझ करके बाबा को भी इज्जत करना है। इस पर एक कहानी अथवा कथा भी सुनाते हैं, जो भी कथाएँ सुनाते हैं वो सब है कहानियाँ, न तो कहानियाँ में कोई सार है, न कोई नॉवेल्स में कोई सार है, नॉवेल्स भी कितने ढेर बिकते हैं, सिर्फ नॉवेल्स बेचने वाले लाखपति हो जाता है। नया नया पॉइंट बाबा समझाते हैं, अभी तुम बच्चों को परवरिश तो एक बाप का हाथ में है, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा परवरिश 2500 साल के लिए, एकर जीवन के लिए, जन्म के लिए, तो बस तुम्ही से खाओ, अर्थात तुम्हारी में, तुम्हारी ही भंडार से खाओ, तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। बाबा समझाते हैं इस समय संगम युग में ये हमें अदल बदल करे, अपना जो कुछ भी है तन मन धन सब बाबा को अर्पण करे दिल से, तो बाबा भी स्वीकार करेगा और कहेगा ये तुम्हारे लिए अब संभालो। तो ये हो गया ट्रस्टी जीवन, ये हो गया यज्ञों का भंडारा, तो इसमें बाबा को कुछ कुछ करके तो ये खर्चा करो, खाते रहो, ये काल कंटक तुम्हारा दूर हो जाएगा। जो सरेंडर हो जाता है उनकी परवरिश तो होते ही है, जो यज्ञों में सरेंडर होता है बहन जी लोग, लेकिन जो मन से भी समझते हैं यह सब कुछ ईश्वर का है, संसार में रहते हुए मैं ट्रस्टी हो, हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं, ऐसे जो समझते हैं वो भी शिव बरा बाबा के भंडारा से खाते हैं। दो तरफ का तो बच्चा यज्ञों में होता है, एक सरेंडर वाला, एक यज्ञों में गृहस्थ में रहने वाला। शिव बाबा का भंडारा से खाने से हृदय शुद्ध होता जाता है, है? और तंदुरुस्ती भी मिलता है, अमर भव का वरदान भी मिल जाता है। ऐसे नहीं कि वो शिव बाबा का भंडारा से नहीं खाते, कोई के मन में शंका आते हैं मैं गृहस्थ में रहता हूँ लेकिन क्या करना है, तो श्री बाबा कहते हैं मुझे अर्पण कर दो, तो दिल मेरे को दे दो, तन मन धन मेरे को अर्पण कर दो, ये बाद में तुम संभालो, जरूर तुम शिव बाबा का भंडारा से खा सकते हो। तो बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे कि बाप के भंडारा से खाते हैं, जिस भंडारा से खाया वो भंडारा भरपूर सदा रहेगा, काल कंटक दूर होगा, क्योंकि हृदय शुद्ध होगा, भंडारा बाबा का है तो ये तो ऑटोमेटिक काल कंटक दूर हो जाएगा, उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। सतयुग में त्रेता युग में इस समय ही शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा भी गाई हुई है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसे होता ये भी कोई जानते नहीं। तो ये बाबा समझाते, ये बहुत गहराई बात है समझने का, बाबा को अर्पण कर देना और बाबा का भंडारा से खाना, इस समय भंडारा कैसे बनते हैं ये तो कोई आधा जानते हैं कोई आधा जानते नहीं। बाबा भी बराबर आते हैं ना, बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा का भंडारा से खाना मिलता है। अच्छा मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वो सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें, क्योंकि कमाई है पति की, वो तो सरेंडर होता नहीं, वो तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ जोरा सरेंडर है
तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकते हैं। बाबा कहते ये भी विधि बाबा सुनाते हैं, पति पत्नी कोई भी अकेला भी हो सकता है और जोड़ी भी सरेंडर हो सकता है, उसके लिए यज्ञ उसका परवरिश करेगा। ये बाप बच्चों को अच्छे रीति समझाते हैं, बुद्धि में रखना है, हम बाप के पास बैठे हैं जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब तक हम बैठे हैं, तब तक हम यज्ञों को संभालते जाए, ज्ञान सुनते जाए, योग करते जाए, दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नज़दीक आते जाते हैं। तो समय बीतता जाता है, तुम नज़दीक आते जाते हो। सतयुग के पहले तो पहले वर्ष में तो आप कितने वर्ष कहेंगे, आप कितना नज़दीक आ गए, तो बाप कहते बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है, ये समझो काल ही है, तुम्हें सतयुग में आना है, ज़्यादा दूर नहीं, तुमने अब 84 को चक्रों को जाना है, समझा है। चक्रों को देखने से ही कहेंगे हम अभी संगम पर है, ऑटोमेटिक जैसे मैप्स को देखते हुए तो कोई भूगोल जानने वाले, ज्योग्राफी जानने वाले समझ लेता है तो फलाना देश वहाँ पर है, इसी प्रकार ये भी हमारे लिए मैप्स हैं तो हम भी समझ जाते हैं हम अभी संगम पर है। इस तरफ है कलयुग पीछे और सामने तरफ है सतयुग, काल हम अपने सुखदम में होंगे, दुनिया को पता ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बेहद का बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं, सदा खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना ये तुम्हारी ही तकदीर में है। बाबा कितना वंडरफुल बात बताते हैं, स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है, जैसे 7 वंडर दिखाते हैं ना, ये ताजमहल जैसे भारत का एक आश्चर्य है, सप्तम आश्चर्य कहते हैं, ये तो सबसे बड़ा वंडर है स्वर्ग दुनिया। चित्र भी है वंडरफुल स्वर्ग के, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो, तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 केर के तो 2500 साल का, ये आधा ड्रामा बाबा समझाते, ये आधा दिन है, तो फिर लाखों वर्षों का तो बात उड़ जाएगा, ये सिद्ध कर बताओ। वहाँ बाहुबल में कितना खर्चा होता है देखो आज दुनिया में, तो यहाँ शुरू से लेकर अंत तक तो कुछ भी खर्चा नहीं है, ये तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की कोई बात नहीं है। तो ये यज्ञों का बात है, अपनापन का है, यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश होता है, इसलिए मकान आदि बनाते हैं मधुबन में, बच्चों को ही पैसा है, बच्चे यज्ञों में लगाते हैं, तो सो भी कितने दिन तो पास हो गए हैं, 85 ईयर्स बीत गया, बाकी थोड़ा दिन है, खर्चा कुछ भी नहीं, तुम जीवन मुक्ति पाते हो। इतना चलते तो तुम देख कर आते हो, और थोड़ा सा संगम युग कितना साल का है बाबा समझाते, इशारा दिया है अभी थोड़ा दिन बाकी है, बिगड़ करी खर्चा तुम चलते आए हो और बिगड़ करी खर्चा तुम चल भी जाओगे। इसमें सिर्फ मेहनत की बात है, भगवान को तो सब भक्त तो याद करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। भगवान भगवान करके, हे ईश्वर कह करके पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान को न जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा गलती है। अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है, बाबा ने कितनी बार समझाया है, बड़े बड़े चित्र मुख्य स्थान पर लगाओ, तो ये मार्केट प्लेस में लगाओ, बड़े बड़े शहर का जो तो चौरास्ता है इसमें लगाओ, जैसे एरोड्रोम है, एयरपोर्ट है, तो एरोड्रोम वाले क्या लेंगे, उनको समझाओ ये तो सब मनुष्य के लिए कल्याण के लिए है, अगर ऑफिसर को अच्छा रीति समझाएंगे तो वो तुम्हें मुफ्त कर देंगे। इनको समझाने से ही मनुष्य बाप से वर्षा ले विश्व का मालिक बन सकते हैं। मुख्य है दिल्ली, दिल्ली कैपिटल है ना, तो वह सब इकट्ठे होते हैं, तो कहाँ भी जाना होता है तो कैपिटल को क्रॉस करके ही जाना होता है, तो वह टीन पर ऐसे बड़े बड़े चित्र हो, तो वो तो पहला जमाना का बात बाबा ने बताया, अभी तो कितना फर्स्ट हो गया, साइंस कितना डेवलप हो गया। मुख्य है ही त्रिमूर्ति का चित्र लगाओ, गोला का चित्र लगाओ और झार का चित्र लगाओ, ये सीरी तो कमाल की बात है, इसमें विनाश आदि की अच्छा रीति लिखा हुआ है, और पतित पवन परमपिता परमात्मा है या पानी की गंगा जांच करो, ये कोई कोई सिलेक्टेड चित्र अच्छा रीति छापा करके टीन का शेड पर, अभी तो फ्लैक्स का जमाना आ गया, तो ये बना करके बड़े बड़े शहर में दिल्ली में
ये कोने कोने में लगाओ। ब्रह्मा कुमारियाँ पूछते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पूछते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है व एक निराकार परमपिता परमात्मा है। तो ये पूछना चाहिए अपने भक्तों को मंदिर में जाकर कि यह पानी का गंगा परमात्मा पतित पावन है ना, परमात्मा शिव पतित पावन है, और भगवान शिव सर्वव्यापी है ना, शिव निराकार भगवान है, बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। मुख्य है ही यह चित्र, यह चित्र लेकर के जाओ, समझाओ। त्रिमूर्ति का भी बहुत बहुत वैल्यूएबल है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, फिर वही पालना भी करेंगे तो विष्णु होकर के, तो बच्चों को आता हो खुशी होनी चाहिए। बहुत का बाबा हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते हैं। इसीलिए महाभारत की लड़ाई भी साथ में है, इसका भी हिस्ट्री हमको समझाया गया है। और 5000 साल बाद यह चक्र फिरता रहता है, बाप भी कल्प 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 के संगम युगे आते रहते हैं जदा जदा ही। गीता में इन्होंने फिर जुगे जुगे लिख दिया है, सो भी 5 युग है, 5 बार आए हैं। तो फिर 24 अवतार फलाना अवतार क्यों लिख दिया ये मनुष्य का? तो ये जो सूत्र है सूत्र में ही गलत है। मनुष्य कितना यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने का है, परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा नहीं सकते। आधा कल्प कितना माथा मारा, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, तो यो किया वो किया, तो फिर भी बाप नहीं मिला। चारों ओर लगाए फेरे, फिर भी रहे हरदम दूर। अभी बाप तुम बच्चों को कितना नज़दीक हो गया, बाप और बच्चे, स्टूडेंट और टीचर, तो तुमसे बात कर रहा है इस समय, तुम्हारा कितना भाग्य जग उठा है, तुमको समझा रहा है, तुम समझते हो कल्प कल्प हो वो हो। हम ऐसे मिलते हैं जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा, तो वही दादा जौहरी होगा, फिर तो उसमें ही बाबा प्रवेश करेंगे, फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे और फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। ये बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। बाबा समझाते हैं ये ड्रामा मान लो, स्वीकार कर लो। अच्छा, मीठे मीठे सिख लभे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 1, यह कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षी की याद कर एक जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। 2, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है, श्रीमत पर खर्चा करना है, अपने मनमत से नहीं, पूरा ट्रस्टी होकर रहना। शिव बाबा का भंडार भरपूर कालकंटक दूर, ये भी बाबा के हैं, ये सारा दिन बुद्धि में फिटता रहे। वरदान बाबा समझाते हैं सुनाते हैं, बिस्तर की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज जोगी भव। उसका अर्थ भी बाबा समझाते हैं, तो जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हैं तो कोई क्वेश्चन उत्पन्न होते और सहज बात भी मुश्किल उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि बात है वृक्ष और बाप है बीज, तो बात जितना भी करो इतना कोई कमी नहीं, और बाप है बिंदु, तो बिंदु में आ जाओ, सार में आ जाओ। जो विस्तार वाले वृक्षों को हाथ में उठाते हैं वो बाप को किनारा कर देते हैं, फिर विस्तार एक जाल बन जाता, मकड़ी का जाल जैसा बन जाता, जिसमें फंस जाते हैं। बातों के बिस्तर में रंग बिरंगी बात होती है जो अपनी और आकर्षित कर लेती है, इसीलिए बीजरूप बाप की याद से बिंदी लगाकर तो उससे किनारा कर लो तो सहज जोगी बन जाएंगे। इतना सुंदर वरदान बाबा ने आज दिया है। तो स्लोगन है, मैं और मेरेपन की एलाई को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना। जैसे गोल्ड में मिक्सचर होता है तो आग में डाला जाता है, एलाई छूट जाता है, तो ये रियल गोल्ड बन जाता है। इसी प्रकार तो मैं और मेरेपन को हटा दो। आज का सामान्य है, मैं सहज योगी आत्मा हूँ।
मैं सहज योगी आत्मा हूँ। ओम शांति।